राष्ट्र धर्म। रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। वैक्सीन जरूर करवानी है, तुसी थोड़ी एंटीबॉडीज बधाने ने। जदों थोड़े एंटीबॉडीज बढ़नगे, वो एंटीबॉडीज ने जिहड़ी कोरोना दे नाल जंग लड़ सकदी है थोड़े बॉडीज दे विच। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट से हटाया ब्लूटिक। 11 महीने से नहीं हुआ है कोई भी ट्वीट, कड़ाई से निपटेगी सरकार। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का 49वां जन्मदिन आज। कार्यकर्ताओं और समर्थकों से खासा उत्साह। सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर करेंगे पौधारोपण। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फेसबुक की कड़ी कार्रवाई। फेसबुक ने 2 साल तक सस्पेंड किया ट्रंप का फेसबुक अकाउंट। आज तमिलनाडु पहुंचेगा मॉनसून। मुंबई में 2 से 3 दिन तक देगा दस्तक। कई इलाकों में तेज बारिश के आसार। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। हिंदी बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। योग गुरु बाबा रामदेव को आईएमए झारखंड ने शुक्रवार को लीगल नोटिस भेजा है। दरअसल पिछले दिनों आईएमए झारखंड की ओर से कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में बाबा रामदेव को लीगल नोटिस भेजने का निर्णय लिया गया था। बता दें कि इसमें राज्य के डॉक्टरों ने हिस्सा लिया था। ये बैठक विशेषकर रामकृष्ण यादव, जो आज के दिनों में रामदेव बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जिसे डॉक्टरों के प्रति अमर्यादित भाषा, दुष्प्रचार और कोरोना से वेश में अभी तक 562 मृत डॉक्टरों के प्रति मजाक उड़ाना, कोरोना वैक्सीन के प्रति दुष्प्रचार करने के लिए खिलाफ उनके कार्रवाई की गई थी। इसमें ये निर्णय लिया गया कि उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्यकारिणी समिति ने डॉक्टर अरुण कुमार सिंह अध्यक्ष, प्रदीप कुमार सिंह सचिव और डॉक्टर शंभू प्रसाद अध्यक्ष आईएमए रांची को कानूनी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत भी कर दिया है। इसी संदर्भ में रामदेव को एक लीगल नोटिस भेजा गया है। रामदेव के खिलाफ एफआईआर और अन्य कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। उत्तराखंड के हरिद्वार में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राजकीय मेला चिकित्सालय और दूधाधारी बाबा बर्फानी कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है। इस मौके पर उन्होंने करीब 970.74 लाख रुपए लागत की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी किया। कोविड अस्पतालों के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पीपीई किट पहनकर कोविड मरीजों से मिले और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और संतोष भी व्यक्त किया। उन्होंने पूरे मेडिकल स्टाफ के कार्य करने की शैली की भी प्रशंसा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार कोविड की रोकथाम के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और महामारी के खिलाफ लड़ाई में जनमानस के बचाव के लिए संकल्पित है। उन्होंने अन्य लोगों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई को मिलकर जीतना होगा। सभी को गाइडलाइन का पूरे तरीके से पालन करना होगा और टीकाकरण पर भी फोकस करना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 49वां जन्मदिन है। हालांकि वो अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं, योगी होने के नाते वो सब इन सबसे बहुत दूर रहते हैं। हर साल की तरह इस बार भी सीएम योगी बगैर किसी आयोजन के रोजाना की तरह बैठक करेंगे। अलबत्ता उनके लाखों प्रशंसक उन्हें शुभकामनाएं जरूर दे रहे हैं। बीजेपी के तेज तर्रार नेता के तौर पर अपनी छवि बना चुके सीएम योगी को
शुक्रवार रात से ही जन्मदिन की बधाइयों का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज लखनऊ के अहियागंज में स्थित गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारे में सीएम योगी की दीर्घायु के लिए अरदास की गई। आज गुरुद्वारा अहियागंज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जन्मदिन के अवसर पर उनकी दीर्घायु की कामना के लिए अरदास की गई। हम गुरु महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह वो समाज की सेवा करते रहें। आज उनके 49वें जन्मदिन पर हमारा ध्येय ये है कि आज हम 49 पीपल के और जामुन के पेड़ लगा रहे हैं, जिससे कि लोगों को प्राकृतिक ऑक्सीजन मिल सके। अगर कोरोना काल ना चल रहा होता तो हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करते और जैसा कि अगर वो आते तो उनका भव्य हम लोग बहुत ही स्वागत करते। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर आज केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में पौधारोपण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण करना हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। महामारी के इस दौर में पर्यावरण ही हमें ऐसी जानलेवा और संक्रमित बीमारियों से बचा सकता है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए पौधारोपण करने की भी अपील की है। सुरक्षा और संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। पर्यावरण ही मानवता को और इंसानों को और पूरी दुनिया को जो पूरी तरह तरह के संकट आ रहे हैं, तरह तरह की समस्या आ रही है, उनसे बचा सकते हैं। हमें वन वृक्षों की सुरक्षा करनी चाहिए, हमें पर्यावरण की सुरक्षा करना चाहिए और जो प्रदूषण के कारण आज अलग अलग तरह के संक्रमण मानवता को और इंसानियत को और पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है, पर्यावरण का संरक्षण और पर्यावरण की मजबूती के साथ सुरक्षा ही उसको जो है वो परास्त कर सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को, दुनिया के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से मुखातिब करवा दें आपको सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का ट्विटर अकाउंट एक बार फिर से वेरीफाई हो गया है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, अभी हाल ही में उनका अकाउंट जो है वो अनवेरीफाई कर दिया गया था। ट्विटर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के पर्सनल वेरीफाइड अकाउंट से ब्लू बैच हटा दिया था, जिसके बाद आरएसएस के कई नेताओं ने अकाउंट भी उनके अनवेरीफाइड कर दिए गए थे। लेकिन फिलहाल ट्विटर के खिलाफ एक्शन में केंद्र सरकार है, जिसके बाद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की ट्विटर अकाउंट को एक बार फिर से वेरीफाई कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, हाल ही में ट्विटर ने हवाला दिया था, कुछ बिना कुछ बताए उनके ब्लू टिक को हटा दिया था। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे सूत्रों के मुताबिक, ये इस खबर सामने आई थी कि उपराष्ट्रपति ने उस अकाउंट से पिछले लंबे समय से यानी 11 महीने से कोई भी ट्वीट नहीं किया था, जिसके बाद ट्विटर ने ये एक्शन लिया और उसके बाद ट्विटर के एक्शन के खिलाफ केंद्र सरकार एक बार फिर से सामने आ गई और अब एक बार फिर से उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को वेरीफाई कर दिया गया है। हाल ही में उनके @VP सेक्रेटेरिएट के आधिकारिक हैंडल पर ब्लू बैच जो जारी किया गया था उसको हटा दिया गया था, जिसके बाद एक बार फिर से सरकार ट्विटर के सामने आई और उसके बाद ट्विटर को फिर झुकना पड़ा और वेरीफाइड अकाउंट को एक बार फिर से वेरीफाइड कर दिया गया है, जो पहले अनवेरीफाइड किया गया था ट्विटर द्वारा। हालांकि कई अन्य भी बीजेपी के नेता है, आरएसएस के नेता हैं, जिनके अकाउंट को अनवेरीफाई ट्विटर ने किया था। बिना कुछ जानकारी देते हुए ट्विटर ने यह एक्शन लिया था, जिस पर ट्विटर ने वापस वेंकैया नायडू को ब्लू टिक अब फिर से दे दिया है। हालांकि जिस तरह से पिछले 11 महीने से एम वेंकैया नायडू ने उसको लेकर कोई भी ट्वीट नहीं किया था, उसके बाद अब एक बार फिर से उनके ट्विटर के खिलाफ एक्शन में जैसे ही केंद्र सरकार आई तो ट्विटर ने एक बार फिर से उनका अकाउंट वेरीफाई कर दिया है। पिछले 11 महीने से वेंकैया नायडू ने इस ट्विटर अकाउंट से कोई भी ट्वीट नहीं किया था, जिसके बाद ट्विटर ने अपनी नीतियों का हवाला देते हुए कहा था कि जो भी पिछले लंबे समय से इस अकाउंट पे यूज नहीं कर रहा है या फिर कोई ऐसी प्रक्रिया होती है जो अकाउंट के नाम से रजिस्टर होने के बाद उससे संबंधित नहीं होती तो उससे ब्लू बैच हटा दिया जाता है। यह हवाला ट्विटर ने दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार एक्शन में आ गई। ट्विटर के खिलाफ एक्शन लेते ही ट्विटर ने एक बार फिर से उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को वेरीफाई कर दिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।
राष्ट्र धर्म। रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 बंदिया का ग्रुप हर पिंड दे विच बनाया जाए और 7 मेंबर का ग्रुप अपने पिंडा दे विच घूमे और एदे विच उन्हां नूं एम्फसाइज करना चाहिंदा है टेस्ट करो जैसे मैं थोनू दसिया जिथे फिर अगर कोई पॉजिटिव निकलिया वो किनू मिले उन्हू ट्रेस करो कि जाके देखो कि किनू मिले उन्हू भी टेस्ट करो और फिर जेड़े कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीजा अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्लिया च कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज पर। सीधी तस्वीरें आपको पंजाब के मुख्यमंत्री की दिखा देते हैं जो विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर आज एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। लोगों ने काफी तसली प्रकट की है कि सरकार ने एक चंगा उद्यम किया। सर आज दे दिन पंजाब का इतिहास एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है जदों माननीय मुख्यमंत्री जी वालों 2018 च लागू किया गया एक विलखण प्रोजैक्ट मिशन तंदुरुस्त पंजाब नूं होर मजबूत करते हुए इस नूं विस्तृत रूप दे विच राज दी जनता समर्पित कर रहे हैं। इस मिशन दे पहले पड़ाव राज ने कई उपलब्धियां हासिल कीतियां हन जिन्हां नाल राज दा वातावरण ते लोकां दी सेहत सुधार होया है। मैनूं खुशी है कि मुख्यमंत्री सलाहकार समूह दे चेयरमैन वजों और होर सहयोगी मंत्रियों दे नाल एक व्यापक मिशन दस्तावेज तैयार करन लई सारे सबद लाइन विभागां नाल बहुत नेड़ों विचार वटांदरा उन्होंने की। मैं तुहानूं सारिआं दस्सणा चाहुंदा हां कि माननीय मुख्यमंत्री पंजाब दी अगांह वधू अते दूरदर्शी सोच का नतीजा सी जिसने इस विलखण मिशन की नींह रखी ते विज्ञान टेक्नोलॉजी अते वातावरण विभाग पंजाब इस मिशन दस्तावेज तैयार करने लई उन्हें लोड़ी अगवाई दिती जिस लई उह प्रशंसा दे हकदार हन। मेरे विभाग ने सेहत अते वातावरण नाल जुड़े मुद्दों उत्ते इस संबंध चुके जा रहे प्रोग्रामों की पछाण करन विच पूरे दिल नाल योगदान पाया है। ये फूड सेफ्टी अते प्रिवेंटिव हैल्थ सब मिशन लीड विभाग वजों काम कर रहा है। सेहत विभाग वालों इस मिशन तहत की गई उपलब्धियों बारे मैं दसना चाहता हाँ कि सेहत विभाग वालों दुध और डेयरी उत्पादों मिलावट रोकने लिए विशेष मुहिम चलाई गई और एक अजिहा इको सिस्टम विकसित करने सफलता प्राप्त की। अजिहे उत्पादों में मिलावट को ठल पई है। इस मंत्र एक स्टेट लैब में 15 करोड़ की लागत आधुनिक उपकरण लगा के अपग्रेड किया गया। इस फूड सेफ्टी टीमों ने 7507 जोड़े सैंपल होने का कतर किए 810 जोड़े म्यारी पाए गए और चंगे पाए गए तो 1597 जोड़े नमूने फेल होए उन्होंने खिलाफ कार्रवाई भी की गई। हूँ तक 10836 किलोग्राम असुरक्षित मिलावटी चीज़ा फल सब्जियां मिठाइया तो होर सारा कुछ ये छापिया दौरान नष्ट किए गए। खाण पीण वाली चीज़ों के मौके पर जांच लई 10 टिड़ियां मोबाइल फूड प्रोटेस्टिंग वैना खरीद के वरतों में लिया जा रही हैं ता जो लोगों को चंगी म्यार दा खाना उपलब्ध हो सके। 22,000 फूड बिजनेस ऑपरेटर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड और हाइजीन रखने लई सिखलाई। एक छोटे से ब्रेक लिए यहां रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। फतेह किट दिते ने कि थोनू किते जाण दी लोड़ नहीं। अगर तुसी पॉजिटिव हो स्टेज 1 दे विचो लेवल 1 दे विचो अपने घर जाओ फतेह किट थोनू मिल जूगा। बीमारी की दवाई लेनी है कैसे लेनी है सारा कागज विच है। कोई बंदा आऊगा जेड़ा थोनू देगा और समझाऊगा भी थोनू ओ तुसी लो।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। इस सीधी तस्वीरें आपको एक बार फिर से सीएम की दिखा देते हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं फिलहाल विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर। दुनिया पर्दे विच सब तो सोनी खूबसूरत ते जरखेज मनी गई धरती है पंजाब दी धरती। ते इत्थे दे तंदरुस्त ते सोने डील डॉल रखण वाले पंजाबी शान ने इस धरती दी। इसे करके असी अपने आप नू किस्मत वाले भी समझते हैं, पर साडी बदकिस्मती है कि अज दे समय विच इंसान ने अपने ही हत्थां दे नाल अपनी इस खूबसूरत धरती नू तबाह करना शुरू कर दिता है। पंजाब सरकार दे विशाल दायरे वाले बहुमंतवी मिशन तंदुरुस्त पंजाब राहीं पंजाब पर्दा है एक पुलांग तंदुरुस्ती वाल सांझे कदम। 2018 विच पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिरे दा कल्पनाशील प्रोग्राम मिशन तंदुरुस्त पंजाब लॉन्च कीता। मनुख ते जैविक भिन्नता ते आधारित वातावरण दे आपसी रिश्ते नू मुड़ साफ सुथरा ते सहयोगी बनाउण लई ए इक सूज ते दलेरी भरिया उपराला है। उना दी रहनुमाई हेठ अजिहा वड अकारी मिशन शुरू करन वाला पंजाब ना सिर्फ भारत दा पहला सगों इकलौता अजिहा सूबा बनिया। पिंड दे पंचायत दे विच शामिल आ के तुसी 550 दरख्त ला रहे हो, तो यह भी याद रखो कि अपने घरां दे विच भी जगह हुंदी है। अगर छोटा छोटी जगह थोड़े सामने एक छोटा बूटा ला लो, एक ज्यादा थोड़े कोल जमीन है उहदे विच एक वड्डा बूटा ला लो। मुख्यमंत्री साहब ने अपने प्रशासन नू इस चुनौती नू स्वीकारन लई प्रेरित करदिया कहा कि खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। पंजाब फारसी दे दो शब्दां दा मेल है, पंज अते आब यानी पंज दरियावां दी धरती। पंजाबियों ने हमेशा कुदरती ते गैर कुदरती करोपी दा डट के सामना कीता है। एक मुठता नाल असी जित प्राप्त कीती है। अज जदो ये कोरोना रूपी वायरस साडे ते हमला कर रहा है, ता असी सारिया ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार दे दिशा निर्देशां अनुसार एक मुठता दिखाई है, ते उसी दा नतीजा पंजाब दे कई जिलियां विच कोरोना अज नियंत्रण च है। इन्हां जिलियां विच बरनाला, तरनतारन, शहीद भगत सिंह नगर, मोगा, फतेहगढ़ साहब, रूपनगर ते कपूरथला जिले शामिल ने जिथे कोरोना मरीज तेजी नाल ठीक होए ने। इस तो इलावा बाकी जिलियां विच भी रिकवरी दर देश दे दूजे जिलियां या शहरां नालों बहुत ज्यादा है। सरकार ने जड़ा एक फतेह टू च मुहिम च दस्या है कि भी रूरल एरिया दे विच सारी सैंपलिंग कीती जावे, डोर टू डोर सैंपलिंग कीती जावे, और उस टीचे दे नाल सारियां साडियां टीमां जिहड़ियां हैगियां ओह विलेजेस सैंपलिंग कर रहियां ने। इत्थे बहुत वधिया तरीके नाल सब तो पहला बीपी वगैरह चैक करन तो बाद वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन तो बाद अद्धा घंटा इत्थे बैठन वास्ते किया गया। बिल्कुल वधिया तरीके नाल सब कुछ हो रहा। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने महामारी की शुरुआत तो ही इस ते नजर बनाई रखी ते समय सिर ठोस फैसले ले। दूजे पासे पंजाब पुलिस ते सिविल प्रशासन दा भी इस महामारी दौरान खास रोल रहा। पंजाब पुलिस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार दे दिशा निर्देश अनुसार लोकां नू लॉकडाउन ते कर्फ्यू दा पालन करवाया ते उन्हां नू कोरोना महामारी तो जाणू करवाया। इस सफलता दा सहरा सरकार दे सेहत विभाग नू भी जांदा है, जिन्हां ने हस्पतालां दे नाल होम क्वारंटाइन मरीजां दा भी पूरा ध्यान रखिया ते इस दा नतीजा ए निकलिया कि जिथे देश विच इक समय मरीजां लई बैड ते होर सेहत सेवावां दी घाट हो गई सी, उथे ही पंजाब इस समस्या तो बचिया रहा ते अज उसी दा नतीजा है कि पंजाब दे लोकां नू बेहतर सेहत सेवावां मिल सकियां। इस मिशन अधीन लोकां लई पीण वाले शुद्ध पानी दी 100% पूर्ति यकीनी बनाई गई।
ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਵਾ ਜੋ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਜੋ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਧਰਤੀ, ਅੱਜ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 15,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆਰੰਭੇ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਰਖਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਪਈ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 550ਵੀਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 76 ਲੱਖ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 550 ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ। ਹਰੇ ਭਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ 10 ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB कोरोना वायरस नु असी ताही हरा सकदे हां जेकर असी अपने वध तो वध टेस्ट करवावांगे ते वैक्सीनेशन लगवावांगे। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। पंजाब सरकार वालों कोरोना वायरस नाल निजिठण लई पंजाब दे पिंडां विच वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई है ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ਖੇਡੋ ਪੰਜਾਬ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਕਲੱਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। CNG ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਫਿਊਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਰੇਲੂ ਕੂੜਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। वैक्सीन जरूर करवानी है तुसी, थोड़ी एंटीबॉडीज बढ़ाने ने, जदों थोड़े एंटीबॉडीज बढ़नगे वो एंटीबॉडीज ने जिहड़ी कोरोना दे नाल जंग लड़ सकदी है थोड़े बॉडीज दे विच, ए थोनू करवाना चाहिदा। थोनू वो डॉक्टर जो पहले दिन तो कह रहे ने मास्क नहीं भुलना, अगर किसी नू कोविड हो भी चुकया उन्हें भी देखो कि मास्क पहने, क्योंकि स्ट्रेन बदलने, ये जिहड़े स्ट्रेन ने ना कोरोना दे, इन्हां दी म्यूटेंट्स बन जांदे ने। इस करके तुसी वो जो बेसिक चीजा ने मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। तुम अपना बनता फर्ज निभाना पवेगा। सरकारी अते गैर सरकारी संगठनां नूं इस उद्दम दा सरगर्म हिस्सा बनना पवेगा। पंजाब सरकार दी मिशन तंदुरुस्त पंजाब पिछे कम करदी सद्भावना नूं कामयाब करन दा बीड़ा उठाइए। सर, मैं हुण जो सा सीधे तौर पर पंजाब तो लाइट दे रहे उन्होंने जो मैं सदा दूंगा, साढ़े कबड्डी की खिडारना बीबा गुरप्रीत कौर जलंधर तो वो अपनी राय दे इस मिशन उत्ते। मैं गुरप्रीत कौर कबड्डी की खिडारन हाँ, मैं इंटरनेशनल ऑल इंडिया तक खेड चुकी हाँ। मैं मानयोग सीएम साहब जी का बहुत धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने साडे पिंड विच ग्रांडा दे के जिम ते स्टेडियम खिलवाए हैं, जिस नाल साडे पिंड विच बहुत सुधार आया है। साडे पिंड दे बच्चे गेम विच रुचि ला रहे हैं। पहला मैं नाल दे शहर नकोदर मैथपुर प्रैक्टिस करन लई जांदी सां, जिस नाल मेरा समा आउण जाण विच ही खराब हो जांदा सी, पर हुण मैं अपना समा सारा अपनी गेम विच ला रही हाँ। साडे पंजाब सरकार ने साडे पिंड विच ये सहूलतां लिया दित्तिया हन कि मेरा सारा समा मैं अपना गेम विच ला रही हाँ। साडे पिंड दे नौजवान मुंडे कुड़ियां नशिया तो दूर हो के गेम विच रुचि ला रहे हन ते अपना भविख बना रहे हन, ते साडे कुछ गरीब घरां दे बच्चे जिहड़े जिम दी फीस नहीं दे सकदे सी ओह गेम करना चाहुंदे सी, पर हुण ओह भी गेम कर रहे हन ते अपनी गेम विच रुचि ला रहे हैं। साडे पिंड विच बहुत सारिया वधिया पार्कां बनिया होईया हन जिन्हां करके साडा भाईचारा इकट्ठा हो रहा है, भाईचारे विच एकता आ रही है, ते मैं बहुत धन्नवाद करदी हाँ। ते पिंड दे लागे दे बच्चे भी मेरे वल देख के गेम दी रुचि रखदे हन ते गेम करना चाहुंदे हन, ते मेरे कोल साडे स्टेडियम विच गेम करन लई आउंदे हन, गेम करन लई आउंदे हन साडे, ते ओ अपनी गेम विच रुचि ला रहे हन। ते पिंड दे बच्चियां दे मापे भी बहुत खुश हन कि साडे बच्चे माड़ी संगत तो दूर हो के चंगी संगत विच आ रहे हन। अंत विच मैं यही कहना चाहुंदी हां मानयोग सीएम साहब जी ते हलका मैंबर एमएलए साहब ते पिंड दी ग्राम पंचायत दा मैं बहुत धन्नवाद कर रही हां जिन्हां ने साडे पिंड विच इह सहूलतां लिया के पिंड नूं सुधार दित्ता है, ते मैं बहुत धन्नवाद करदी हां। थैंक यू। मैं हुण बेनती करूँगा श्री मुकेश नंदा जी जो कि पठा माल अंबरसर तो जिन्होंने नवी तकनीक अपना के पर्यावरण की रक्षा अपना योगदान दिता है, वह भी अपने तुहाडे सामने विचार रखणगे। श्री मुकेश नंदा जी, मैं मुकेश नंदा पठा माल वैसे ताला कमेंट एंड कंपनी रोंडी कुमन ब्लॉक मलेटा जिला अमृतसर, जिला प्रधान अमृतसर और जनरल सैकटरी पंजाब परिकलन एसोसीएशन। मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब जी का बहुत ही धन्यवादी हैं
कि जिन्होंने सानू इस वातावरण बेस उत्ते अपनी गल रखने का मौका दिता। श्रीमान जी साढ़े पंजाब के तकरीबन सारे पट्टे जिक जैक इंड्यूस्ड हाई ड्राफ्ट हो चुके हैं और ये सारा कुछ पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टैक्नोलॉजी के योगदान और दिशा निर्देश अनुसार किया गया है। जिक जैक करने तो बाद सानू 10-20% कूड़े की बचत हुई है और साड़ी इट्टां की क्वालिटी भी पहले नालों बहुत बेहतर हुई है। जिहड़ा साडा चिमनियां चों काला धुआं निकलता सी वो बहुत फर्क पै गया। साढ़े आस पास का वातावरण पट्टियां का बिल्कुल साफ हो गया। श्रीमान जी पंजाब हिंदुस्तान की पहली स्टेट है जिथे तकरीबन सारे पट्टे हाइट आउट हो चुके हैं और ये सारा कुछ पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टैक्नोलॉजी के दिशा निर्देश और योगदान नाल ही संभव होया है। श्रीमान जी मैं पंजाब सरकार मुख्यमंत्री साहब का बहुत ही धन्यवादी हाँ कि जिन्होंने सानू कोविड महामारी के दौरान पट्टियां चलने की परमिशन दी। साढ़े हज़ारां मालक और लखां मजदूर जिहड़े बेरोजगार नहीं होए जिन्हों 2020-2021 काम मिलता रहा ता फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं इस तो बाद साढ़े बहुत ही गांधू किसान तरन तारण तो श्री गुरतेज सिंह जो कि जैविक खेती करते हैं उन्होंने भी बेनती करता वह भी अपने विचार साझे कर सब गुरतेज सिंह जी। मैं गुरतेज सिंह पिंड संगतपुर जिला तरन तारण मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब जी वालों मिशन तंदुरुस्त पंजाब चलाया जा रहा उस अधीन असी जैविक खेती 8 एकड़ कर रहे हैं। 8 एकड़ असी कणक बासमती मटर सब्जियां सब कुछ ऑरगेनिक प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन्हें कोई भी असी रसायन खाद या दवाई की वरतों नहीं करते। जिन्हें भी इनपुट्स आ कोई सानू पंजाब सरकार वालों मिलते हैं बायो इनपुट्स मिलते हैं वह असी इन्हें वरतते हैं। फिर साढ़े जो खेतों की सर्टिफिकेशन आ वह पंजाब सरकार बहुत तकड़ी सहूलत दे रही है जिद फ्री सर्टिफिकेशन हो रही है उस नाल साड़ी जी प्रोडक्ट आ ऑनलाइन सू वेचन बड़ी सहूलत मिलती है। इसी तरह ही जिन्हें भी असी संद खरीदे आ वो आप जी वालों चलाई हुई स्कीम 80% सबसिडी से असी ले जिथे असी एक पिंड सैल्फ हैल्प ग्रुप बनाए हैं उन्होंने दवाया एक पंचायत वालों भी सानू सैट मिलया हुआ वो सारा पिंड होर भी आले दुआले के लोग साढ़े वरतते हैं वो असं बड़े नॉमीनल जी चार्जस लेने कि उन्होंने रिपेयर वगैरह करते रहिए। इस चीज़ के नाल सानू बहुत फायदा मिल रहा होर साड़ी जी खरीद आ पहला सानू मुश्किल आती सी अपने ऑरगेनिक प्रोड्यूस वेचन की अजकल सरकार खरीदी है सरकार ने साढ़े को पंजाब एग्री एक्सपोर्ट कारपोरेशन खरीद रही है वो सानू 15-25% रेट एक्सट्रा देंदी आ इस दे नाल साडा जिहड़ी आर्थिकता वह मजबूत हो रही है। पहला मुश्किल आउंदियां पर अजकल सानू बहुत इहदे विच मदद मिल रही है। जे साडी प्रोड्यूस घट निकलदी आ पर साडी क्वालिटी वधिया होण करके सानू रेट वधिया मिलदा। बाकी इह इक बाबे नानक दी खेती आ उस नूं असीं समझ के ते खेती कर रहे हैं और एक हैरानी दी गल इह आ जी मैं वेख्या जी जिन्ने भी किसान ऑर्गेनिक खेती करदे आ किसी नूं भी करोना कोई भी किसान करोना का शिकार नहीं होया उहदा कारण मैं इही समझदा ਵੀ ਉਹ ਸਵੱਛ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ 5 ਮਰਲੇ 10 ਮਰਲੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲਾ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ रूरल करोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 बंदियां का ग्रुप हर पिंड दे विच बनाया जाए और 7 मैंबर का ग्रुप अपने पिंडां दे विच घूमे और एदे विच उन्हां नूं एम्फसाइज करना चाहिंदा है टेस्ट करो जैसे मैं तुहानू दस्सिया जिथे फिर अगर कोई पॉजिटिव निकलिया वो किनू मिलिया उन्हूं ट्रेस करो कि जाके देखो कि किनू मिलिया उन्हूं भी टेस्ट करो और फिर जिहड़े कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीज़ा अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले च कंट्रोल आ सकती है।
कर सकते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स वालों, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मिल्क यूनिट्स, रिटेल शॉप्स आदि फूड प्रोडक्ट्स के सैंपल भर के लैब विच भेजे जाते हैं ते लैब विच ए क्वालिटी सेफ्टी एडल्ट्रेशन आदि चेक किए जाते हैं। इस दौरान एनालिस्ट वालों हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंपार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी मेनटेन की जाती है। लैब की अपनी टेस्ट रिपोर्ट 14 दिनों के अंदर डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भेजी जाती है जिस वालों दोषियों के खिलाफ योग कार्रवाई की जाती है। मिशन तंदुरुस्त पंजाब के अधीन सूबे विच देसी घ्यो विच किसी भी तरह की फैट मिलाने संबंधी नोटिफिकेशन जारी करके रोक लगा दी गई है। इस मिशन तहत पिंड पिंड जाके भोजन की परिपक्वता चेक करने 13 वैन्स जिन्हों विचों 5 वैन्स सेहत विभाग वालों चलाई जा रही ने। यह वैन्स लोड़ीदे टेस्टिंग समान लैस ने ते एक डोर टू डोर जाके लोगों को फूड सेफ्टी प्रति जागरूक कर दिया ने ते फूड टेस्टिंग राही भोजन की शुद्धता नापदिया ने। मिशन तंदुरुस्त पंजाब अधीन फूड सेफ्टी वालों कई तरह दिया सर्वेलेंस ड्राइव चलाई जा रही ने जिमें कि बेकरी वनस्पति घ्यो आदि ट्रांसफैट को घट करना, यूज कुकिंग ऑयल को बायोडीजल में कन्वर्ट करना, लोगों को घट ऑयल शुगर एंड सॉल्ट की वरतों जागरूक करना, स्कूलों में चल रहे मिड डे मील भोजन में पौष्टिकता नापना, फूड लेबल्स डिवेलप करवाना आदि। साडा मिशन चंगी सेहत चंगा उपराला साडा पानी साडी हवा की संभाल की आस नाल मैं सहयोगी टीमां दी नुमाइंदगी करदी हुई वादा करदी हां कि मिशन विच कामयाबी लैके आउण वाले समय विच पंजाब नूं इक तंदुरुस्त सूबा बनावांगे। धन्नवाद। मैं हुण बेनती करूंगा पिंड चणो फतेहगढ़ साहब दी सरपंच अबीबा कविता शर्मा ने जिन्हां ने अपने पिंड च नानक बगीची की स्थापना की है ते पिंड वालों वल्लों बहु किस्म के पौधे लगाए हैं ते मैं कविता शर्मा नूं अपील करदा हां। फतेह किट दिते ने कि तुहानू किते जाण दी लोड़ नहीं, अगर तुसी पॉजिटिव हो स्टेज वन दे विचो लैवल वन दे विचो अपने घर जाओ फतेह किट तुहानू मिल जूगा। बीमारी की दवाई लेनी है कैसे लेनी है सारा कागज विच है, कोई बंदा आऊगा जिहड़ा तुहानू देऊगा और समझाऊगा भी तुहानू, उह तुसी लो। पालन पोषण किया है। इस साल भी साड़ी कोशिश है कि पिंड विच बाकी रहिंदियां खाली थावां अते बर्मा उत्ते वधिया किस्मां दे बूटे लगाए जाण तां जो खराब हो रहा वातावरण शुद्ध हो सके। असी सारे पिंड वासी तनदेही नाल इना बूटियां दी सांभ संभाल करांगे। पिंड वासियां दा इह उपराला आउण वालियां पीढ़ियां लई वरदान साबित होऊगा। असी यह उम्मीद करते हाँ कि पंजाब के होर पिंडां विच भी इस तरीके नाल हरे भरे रकबे तैयार किए जाएंगे। धन्यवाद। मैं हुण बेनती करूंगा साढ़े मानयोग जल सप्लाई के संदेशर मंत्री वह अपने विचार पेश करने और सरकार जो प्रभावित अमृतसर ते गुरदासपुर के तिंजा पिंडां नूं शुद्धीकरण जानकारी देणगे। सीएम साहब, प्रधान जी, सभी मिनिस्टर साहबान, सभी एमएलए साहबान, सभी ऑफिसर साहबान ते हाजरीन, पंजाब सरकार माननीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दी मुख्यमंत्री पंजाब दी योग अते गतिशील अगवाई हेठ पंजाब दे पेंडू खेतर विच हर घर विच निजी पानी दा कनेक्शन अते पखाने दी सहूलत मुहैया करवाउण लई वचनबद्ध है।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 254 ਵੱਡੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਰਿਮੂਵਲ ਪਲਾਂਟ, 304 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 544 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 872,000 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਸੈਨਿਕ ਮੁਕਤ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 54 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਸੈਨਿਕ ਮੁਕਤ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 5/6/2021 ਨੂੰ IIT ਮਦਰਾਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 12,799 ਘਰੇਲੂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਫਿਲਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ 4,85,00,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 72,000 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਹੋਰ 120 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 3,20,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 7,670 ਘਰੇਲੂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਫਿਲਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 44,000 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਸੈਨਿਕ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ 54 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਫਿਲਟਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ IIT ਮਦਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ IIT ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਿਤੀ 5 June 2021 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਫਿਲਟਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 12,799 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਡਮ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਟ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਕ
कोरोना वायरस नु असी ताही हरा सकदे हां जेकर असी अपने वध तो वध टेस्ट करवावांगे ते वैक्सीनेशन लगवावांगे। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती दर्द है या मैनू खांसी होगी या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। पंजाब सरकार वालों कोरोना वायरस नाल निजिठण लई पंजाब दे पिंडां विच वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई है ता जो 18 साल तो उपर दे सारे लोग जल्द तो जल्द अपनी वैक्सीनेशन करवा सकन। पूरे पंजाब दे पिंडां लई कोविड टेस्टिंग केंद्र स्थापित किए गए ने। जेकर तुहानू बुखार जुकाम जिहे लक्षण महसूस हुंदे हन तां तुरंत अपना कोरोना वायरस दा टेस्ट करवाओ। कोरोना संबंधी जानकारी लई 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्यां नूं बचाउणा है, तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਚ ਸਕਾਈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਸੌਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟਾਵਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਠੀਕ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਰਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅੱਜ ਸਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। वैक्सीन जरूर करवानी है तुसी, थोड़ी एंटीबॉडीज बधाने ने। जो थोड़े एंटीबॉडीज बधनगे वो एंटीबॉडीज ने जेडी कोरोना दे नाल जंग लड़ सकती है थोड़े बॉडीज दे विच। ये थोनू करवाना चाहिए, थोनू वो डॉक्टर जो पहले दिन तो कह रहे ने मास्क नहीं भुलना। अगर किसी नूं कोविड हो भी चुकया उन भी देखो कि मास्क पहने, क्योंकि स्ट्रेन्स बदल दे, जेड़े स्ट्रेन ने ना कोरोना दे इन्हां दी म्यूटेंट्स बन जांदे ने। इस करके तुसी वो जो बेसिक चीजा ने मास्क पहनना, हथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। थोनू ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ 60 ਪਾਰਕ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੇ 39-40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ,
ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਖੇ 25-25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਟਿਕਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਕੇ ਵਾਕਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰਨੇਜ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖੂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਅਜੇ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜੇ ਬਰੀਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਔਰ ਲੰਬੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਓ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲ 112 ਤੇ 181 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 112 ਤੇ 181 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਇੱਕ ਗਰਭ ਸਿੰਘ ਆ, ਕੱਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਰ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰਸ ਲਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਸਰ। ਉਹੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 8,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਸਰ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਈਕੋ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਫੋਰ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਸਰ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ
क्लीन एयर की डिमांड कर रहे हैं तो कितने ना कितने पंजाब च भी यह डिमांड वाजब डिमांड है सर और वो बड़ी जेन्युइन गल है सर जिन्हों रिकॉग्निशन कर रहे। लास्टली सर एक होर बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है सर अपने पंजाब की हुशियारपुर की सर अंकिता मेनन सर जे एन यू की रिसर्च स्कॉलर आ सर उन्होंने पानी के उत्ते जिमें काला डेरा एक राजस्थान च अपना इंडस्ट्रियल टाउन आ उत्थे पानी के उत्ते बड़ी जबरदस्त रिसर्च कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई वा अगर इहो जे नौजवानों नू सर अगर तुसी मिलोगे और उन्होंने इनकरेज करोगे तो नौजवानों के एक मैसेज जाऊगा भी इनवायरमेंट एक्टिविज्म नू और ये चीज़ों आप रिकोगनाइज करांगे। अक्सर रोल मॉडल्स सिंगर फिल्म स्टार एक्टर बन जाते हैं लेकिन इहोजे बच्चे इहोजे यंगस्टर्स जिहड़े वाकई एक्टिविज्म नू और जिहड़े वाकई एक समाज दे विच फर्क पा रहे हैं जब तक सरकार इन्हां नू रिकोगनाइज नहीं करेगी जब तक गवर्नमेंट इन्हां नू रिकोगनाइज नहीं करेगी उदों तक सर कल्ला ठीक है सर आप पॉलिसी ले आवांगे इंप्लीमेंट कर देंगे सरकार आप सारे पास से कर देंगे लेकिन यंगस्टर्स दे विच अवेयरनेस वास्ते इहोजे बच्चों खास तौर पर मैं सर यह कहूंगा इहोजे बच्चों रिकोगनाइज करना बहुत जरूरी है इहोजे यंगस्टर्स रिकोगनाइज करना बहुत जरूरी है और इन्हों का काम अगर इन्हों का काम शलाघा योग आ तो इन्हों सर इन्हों की मदद भी करनी चाहिए आप फाइनैशियल असिस्टेंस भी देनी चाहिए और इन्हों एज रोल मॉडल्स आपू अगे लेके आना चाहिए वा सर रोल मॉडल्स कोई उपर नहीं उतरते कोई वायरल नहीं हो जाते लेकिन अगर सरकार इन्हों रिकोगनाइज करूगी और नहीं है ते सर मैं हूँ मुख्यमंत्री साहब न बेनती करूँगा कि वो जनते मिशन तंदुरुस्त पंजाब नू लॉन्च करेंगे। मिशन तंदुरुस्त ऐप नू लॉन्च करने की भी अपील करता है। हुण मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब नू अपील करूंगा कि अमृतसर ते गुरदासपुर दे आरसैनिक ना प्रभावित 54 मिनट घरेलू सफाई जंत्र स्कीम नू लॉन्च करन इस तो बाद मैं मुख्यमंत्री साहब नू बेनती करूंगा कि जलंधर विखे बरियाणा डंप साइट रेमडिएशन प्रोजेक्ट का नींह पत्थर भी रखन। इस तो बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब न बेनती करूँगा कि हूँ फाजिलका ग्राया अजनला तो गढ़दी वाला शहर सीर ट्रीटमेंट प्लांट लाए जा बनाए जाने का भी नींह पत्थर रखन। हूँ मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब न अमृतसर लिए बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करने बेनती करूँगा। रूरल करोना वॉलंटियर्स कह के एक सत बंदियां दा ग्रुप हर पिंड दे विच बनाया जाए और सत मैंबर दा ग्रुप अपने पिंडां दे विच घूमे और एदे विच उन्हां नूं एम्फसाइज करना चाहिंदा टेस्ट करो जैसे मैं तुहानूं दस्सिया जिथे फिर अगर कोई पॉजिटिव निकलिया ओह किहनूं मिलिया उहनूं ट्रेस करो कि जाके देखो कि किहनूं मिलिया उहनूं भी टेस्ट करो और फिर जिहड़े कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो थ्री टीज टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीजा अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्लिया कंट्रोल आ सकती है। और तुसी कामयाबी की थी और आप देख ही रहे हैं जेड़े कुछ आज
ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਟੋਨ ਆਪਣੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲ ਵਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਤੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵਟ ਐਵਰ ਇਟ ਵਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਐਂਡ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡੇ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਬ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ, ਧਰਤੀ ਪਵਨ ਹਵਾ ਔਰ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿਗੜਦਾ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਪਊ। ਹੁਣ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, 10 ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਰਿਵੈਂਪ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 10 ਇਸ਼ੂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹਵਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੇ ਆਬ ਹਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫੂਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਬ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੈਂ ਬਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊ ਕਿ ਅੱਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 200 ਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਧੂੰਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕੈਸਾ ਆਪਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦਰਖਤ ਲਗਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਾੜੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਛੋਟੀ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਬਾੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਲਾ ਦਿਓ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਜੰਗਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੀੜ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਹਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਫਸਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਸਰ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪਊ? ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, PWD ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਲਾਓ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਔਰ ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਰੀਆ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਵਿਗੜਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਛ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੂਣ ਦੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ।
ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨੇ DAP ਯੂਰੀਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕੀੜੇ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੈਸੇ ਬਾਸਮਤੀ ਆਪਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਾਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਸਿਰਫ ਬਾਸਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਲਾਈਏ, ਜੋ ਕੁਛ ਲਾਈਏ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਓ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉੜੇ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 100% ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਈਪ ਵਾਟਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 70% ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ 70% ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਟੂਟੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਔਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਚਵਾੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੀ ਬਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਗਲਾਸ ਆਪ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਆਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਰੱਖੀਏ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਨਕ ਸਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਤਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਤਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਲੇ ਦੇ ਹਰੀਕੇ, ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਨੀਚੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਨਸਾ ਵਗੈਰਾ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਬ੍ਰੈਕਿਸ਼ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਖਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਣਗੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਟੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਵਾ ਰੱਖਣੀ ਠੀਕ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਫਿਰ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਖੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰੀਏ, 2 ਲੇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, 4 ਲੇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੇ। ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ,
कि थोनू कहते जान की लोड़ नहीं, अगर तुसी पॉजिटिव हो स्टेज वन दे विचो लेवल वन दे विचो अपने घर जाओ फतेह किट थोनू मिल जूगा। बीमारी की दवाई लेनी है कैसे लेनी है सारा कागज विच है, कोई बंदा आऊगा जेड़ा थोनू देगा और समझाऊगा भी थोनू और तुसी लो। लेकिन बाकी जिम वास्ते क्योंकि लोग करना चाहते ने, लेकिन आ प्रॉब्लम सानू इस वेले हो गई। लेकिन आप करना क्यों चाहते से जिम का काम, क्योंकि अपने आप की शरीर नू मजबूत करना चाहते से। ता ये मैं आस करता कि करोना का काम डाउन जाएगा होर थोड़ा, अज अच्छे आंकड़े आए ने ते अगर थोड़ा डाउन जाए फिर असी कोशिश करांगे जिम खोलने की। लेकिन आ डिमांड थोड़े तो सारे कितों आ रही है, क्योंकि तुसी अपने अपने आप नू तुसी अपने फिट होना चाहते हो ताकि इस दुनिया का तुसी सामना कर सको। फिर वेस्ट मैनेजमेंट है, ये गंद हर वे ढेरियां होंदियां सी गंद दी पईयां हर जिथे तुसी जांदे से, चाहे पिंडा जाओ तुसी रूड़ी दे ढेर होंदे से, इधरले पासे जाओ तुसी शहरां दे विच जाओ पहाड़ बने हुए से, आ दिल्ली दे कोल जां तुसी दिल्ली दे विच जांदे हो खब्बे पासे, मेरा ख्याल जिन्ना आ पहाड़ है इत्थे शिवालिक दा ओडा ही उत्थे पहाड़ है गंद दा भरिया होया, एंड उत्थे किन्नियां बीमारियां उत्थों जांदियां ने, कित्थे कित्थे उत्थों मक्खियां जांदियां ने उठदियां ने, जांदे किसी दे घर च बह जांदे ने, घर च उन्हां दे रोटी ते चली जांदियां ने, कितें होर चली जांदियां ने। ये जिहड़ा वेस्ट मैनेजमेंट है बहुत जरूरी है, असी हुण वेस्ट मैनेजमेंट ते बड़ा जोर ला रहे हैं। अज मैं अमृतसर दा असी लेख कीता, पटियाले दा बन गया इधर इत्थे मोहाली दे कोल, ताकि कई जगह तो इत्थों आ सके, वह भी एक प्रोग्राम मैनू दिखाया गया सी। ये बहुत जरूरी है सानू कि गंद ना हो कितने, और वो गंद नू अगर असी कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू खाद वो होर भी चंगी चीज़ है। थोड़ी जड़ी जड़ी धरती दा हाल है, जैसे थोड़ी थोड़ा पता है ना, जेडे किसान है उन्होंने तो पता है कि जदों धरती सुक जाती है और डाकर मिट्टी है तो टेड़ा आ जाए ने बिच, वो क्यों आदि ने क्योंकि ह्यूमस घट है। तो उसनू ये जरा वेस्ट नू अगर आप कन्वर्ट कर सकते हैं खाद दे विच और उत्थे बचा सकते हैं उतो टेड़ा आने तो बच जाएगा कम। सो ये जरा प्रोग्राम है, दिस इज बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, एंड मैं आस करते हैं कि जिहड़िया अज प्रोग्राम लॉन्च कीतिया ने साडे वख वख महकमे ने, मैं पहला तो थोनू बधाई दिना और थोनू अज मैं आस करता कि बहुत कामयाब हो ताकि अपने पंजाब इस इनवायरमेंट डे रीवैम्प्ड मिशन जो अपना तंदुरुस्त है वो अपना बड़े चंगे तरीके नाल अगे लै जाइए, जिहदे नाल आने वाली पीढ़ियां वास्ते भी और मौजूदा पंजाब विच भी असी सफाई लिया सकीए और लोगों की सेहत वास्ते इत्थे इहदे नाल असर पै सके, अपने बच्चों की सेहत वास्ते, अपनी सेहत वास्ते, अपने सूबे की सेहत वास्ते। तो मैं फिर एक बार बहुत धन्यवादी हाँ थोड़ा और सारिया महकमे नूं वधाई दिंदा, जय हिंद। थैंक यू सीएम साहब, थैंक यू। मैं हम बेनती करूँगा साढ़े खेड के नौजवान मामलों के मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जी। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 49वां जन्मदिन है। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में हुआ था। और आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर कई नेताओं और मंत्रियों ने ट्वीट करके उनको बधाई दी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि ओजस्वी वक्ता और कर्मठ व्यक्तित्व के धनी एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, आपको जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हों और सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करके सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए वो समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में यूपी
उत्तरोत्तर प्रगति करे, यही कामना है। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे और दीर्घायु रखे। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा है कि सुशासन और विकास के पर्याय उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाले पुरी की गिरफ्तारी, अभिनेता पल्लवी पुरी की गिरफ्तारी हुई है मुंबई से। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, अभिनेता पर रेप और छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। रेप और छेड़छाड़ का आरोप अभिनेता पर लगा है, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। रेप का आरोप और छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने केस दर्ज कराया गया था, जिसके बाद अभिनेता की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से सीधे आपको बता रहे हैं। नागिन 3 बेपना प्यार सीरियल में भी काम किया है अभिनेता ने। मामले की जांच में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। कई बड़े सीरियल हैं ऐसे जिनमें ये अभिनेता काम कर चुके हैं। मुंबई से ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे, अभिनेता पल्लवी पुरी की गिरफ्तारी हो चुकी है क्योंकि रेप और छेड़खानी का आरोप लगा है। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है। आपको ये बता दें, कई बड़े ऐसे सीरियल हैं, चाहे वो नागिन 3 हो या फिर उसके अलावा, जिनमें अभिनेता ने काम कर रखा है। बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से। जब अभिनेता पर या फिर अभिनेत्रियों पर इस तरह की कार्रवाई होती है तो जाहिर सी बात है कि छवि पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि जिनको लोग आइडल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, रोजाना घरों में बैठकर इनको टीवी पर देखा जाता है। जब ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियों पर इस तरह के आरोप लगते हैं, गिरफ्तारियां हो जाती हैं, तो सीधा असर जो है इनकी छवि पर पड़ता है, भविष्य पर पड़ता है। इसी बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं कोरोना को लेकर, सीधे आपको सुनवाते हैं। इस वेव में यह देखा गया कि व्हाट्सएप खूब तेजी से, व्हाट्सएप के ऊपर दवाइयां खूब तेजी से प्रिस्क्राइब की जा रही थी और उसके ऊपर मतलब बात फैल जाए कि यह दवाई बड़ी अच्छी है, तो पूरे समाज के अंदर, पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर उस दवाई की अफरा तफरी मच जाती है। तो एक डॉक्टर्स की और एक्सपर्ट्स की टीम बनाई जाएगी। अगर किसी दवाई की डिमांड होती है तो वो डॉक्टर्स एग्जामिन करके बताएं कि इस दवाई से कोरोना में फायदा होगा कि नहीं होगा। अगर डॉक्टर कहते हैं होगा तो सरकार उस दवाई को मुहैया कराने की कोशिश करेगी, और डॉक्टर अगर कहते हैं कि ये दवाई बिल्कुल बेकार है, इससे कोरोना में कोई फायदा नहीं होगा और लोग इसके पीछे भागना बंद करें, तो जनता को उसके बारे में जागरूक किया जाएगा कि इस दवाई के पीछे भागना बंद कीजिए। एक ये, दूसरा जो जो सीएम केजरीवाल को आप सुन रहे थे, छोटे से ब्रेक ले आप रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना वायरस नु असी तां ही हरा सकदे हां जेकर असी अपने वध तो वध टेस्ट करवावांगे ते वैक्सीनेशन लगवावांगे। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। पंजाब सरकार वालों कोरोना वायरस नाल निजिठण लई पंजाब दे पिंडां विच वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई है, तां जो 18 साल तो उपर दे सारे लोग जल्द तो जल्द अपनी वैक्सीनेशन करवा सकन। पूरे पंजाब दे पिंडा लई कोविड टेस्टिंग केंद्र स्थापित कीते गए ने। जेकर तुहानू बुखार जुकाम जेहे लक्षण महसूस हुंदे हन तां तुरंत अपना कोरोना वायरस दा टेस्ट करवाओ। कोरोना संबंधी जानकारी लई 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। तो तुसी प्लीज ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का अकाउंट दोबारा वेरीफाई कर दिया है। सरकार की नाराजगी के बाद ट्विटर ने यह कदम उठाया है और सरकार की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति किसी पार्टी का हिस्सा नहीं होते हैं, इसलिए सरकार ट्विटर की इस हरकत की संवैधानिक अनादर की नजर से देखते हैं। और इसके बाद ट्विटर ने अपनी गलती स्वीकारी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को दोबारा से वेरीफाई किया गया है। अब से कुछ देर पहले ट्विटर ने उपराष्ट्रपति का अकाउंट अनवेरीफाइड कर दिया था। सरकार के कड़े रुख के बाद ट्विटर ने अपना फैसला वापस ले लिया।
और वही सोशल मीडिया साइट ट्विटर की मुसीबत भारत ही नहीं अन्य देश में भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारत में ट्विटर पर छिड़े विवाद के बाद अब नाइजीरिया में उसके बाद मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। दरअसल नाइजीरिया ने ट्विटर को अनिश्चितकालीन के लिए सस्पेंड कर दिया है। इस मामले पर नाइजीरिया ने कहा है कि उसने देश में ट्विटर की गतिविधियों को अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया है। दो दिन पहले ही ट्विटर ने राष्ट्रपति महम्मदू बुहारी का ट्वीट डिलीट कर दिया था, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय अलगाववादियों को सजा देने की चेतावनी दी थी। सोशल मीडिया साइट ट्विटर की मुसीबत भारत ही नहीं बल्कि अन्य देश में भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारत में ट्विटर पर छिड़े विवाद के बाद अब नाइजीरिया में उसके लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल नाइजीरिया में ट्विटर को अनिश्चितकालीन के लिए सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद मुसीबतें और ज्यादा लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर, देश की राजधानी से, क्योंकि लॉकडाउन में रियायतों को बढ़ा दिया गया है। ये सीएम अरविंद केजरीवाल का फैसला है। 50% कैपेसिटी के साथ में अब मेट्रो भी शुरू होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली वासियों के लिए। 50% कैपेसिटी के हिसाब से मेट्रो को खोला जाएगा, बाजार मॉल भी खोले जाएंगे। ये सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला है। और जीवन के हिसाब से अब दुकानें खुलेंगी, यानी ऑड इवन नंबर के हिसाब से अब दुकानों को खोला जाएगा। बड़ी रियायतें दी गई हैं। जरूरी सेवाओं पर ऑड इवन लागू नहीं होगा। जो जरूरी सेवाएं हैं, जो कि लगातार देखने को मिल रही थी, दिल्ली में कोरोना काबू में है, कोरोना कंट्रोल में है, ये सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। आपको ये बता दें कि अभी कुछ ही देर पहले सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें ये बड़ा ऐलान किया गया और रियायतों को बढ़ा दिया गया है। 50% कैपेसिटी के साथ में अब मेट्रो को खोला जाएगा। मेट्रो अब दिल्ली में चल सकेंगी 50% कैपेसिटी के साथ में, क्योंकि लॉकडाउन के चलते मेट्रो को बंद कर दिया गया था, बाजार मॉल इन सब को बंद कर दिया गया था। अब बाजारों को भी खोला जाएगा, मॉल्स को भी खोला जाएगा, लेकिन जो दुकानें हैं वो और इवन के हिसाब से खोली जाएंगी। तो बड़ी रियायतें इस समय दिल्ली वासियों को दिल्ली सरकार की तरफ से दे दी गई है, क्योंकि केसेस लगातार कम हो रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ₹660 मुनाफा कमाया और उन अस्पतालों को, प्राइवेट वालों को जिनको आपने फैसिलिटेट किया कि आपके 1060 बने थे वो 2500 में बेचे, उनको 1500। क्या इस सरकार की मंशा क्या है? ये गरीबों की जान बचाना चाहते हैं कि जो वैक्सीन गरीब को मुफ्त के लिए दी गई है उस पर पैसा कमाना चाहते हैं गरीबों के जान पे खेल के। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि बहुत बड़ा स्कैम, प्राइवेट अस्पतालों से इन्होंने पैसे लिए, इन्होंने गरीबों की वैक्सीन के साथ, जानों के साथ सौदा करके वैक्सीन बेच के इन्होंने कमाई करी है, प्रॉफिटियरिंग फ्रॉम द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। और इतना बड़ा स्कैंडल जब हम लोगों के सामने लेके आए हैं तब इन्होंने ये सारा कुछ वापस ले लिया। पर एक बड़ी बात उठा रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि इनका चीफ मिनिस्टर ये सारा ये घपला चीफ मिनिस्टर कर रहा है। तो जो चीफ मिनिस्टर घपला कर रहा है, या आपकी डिपार्टमेंट में आपकी पूछगिछ ही नहीं है, आपसे कुछ पूछ के क्या, तो आप फिर हेड मिनिस्टर बन के क्यों बैठे हैं, आप रिजाइन क्यों नहीं करते? ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद बातें हैं सब इस लूट में। और इस 80,000 में से 35,000 वैक्सीन हेल्थ मिनिस्टर के हल। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। जिला हुशियारपुर पंजाब दे उन्हां जिलों भी शामिल है जिथे कोरोना के खिलाफ जंग विच सब ने एक मुठता दिखाई है। नतीजा ए निकलिया कि जिले के कई पिंडा ने कोरोना वैक्सीनेशन 100% का टीचा हासिल कर लिया है, जो कि वाकई काबिले तारीफ है। दरअसल पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने टीकाकरण नूं लेके एक लहर का आगाज किया सी। मुख्यमंत्री दे हुक्म अनुसार हुशियारपुर समेत पूरे पंजाब विच शुरू की गई कोरोना मुक्त पिंड मुहिम ने जोर फड़ लिया है। इस मुहिम तहत हर रोज ग्राम पंचायत वालों टीकाकरण मुहिम नूं सहयोग दिता जा रहा है।
इस मुहिम दे शुरू होने तो बाद पहले 48 घंटिया विच जिले दे 11 पिंडा ने कोरोना वैक्सीनेशन दी 100% पहली डोज लगवा ली सी। इन्हां पिंडा विच हलका चब्बेवाल दे पिंड नवा जटपुर पुंगा ते पुंज शामिल ने, जबकि मकेरियां दे पिंड नथुवाल ललोता उलाहा चकड़ियाल पड़ोलिया ते रामगढ़ सिकरी ने भी फतेह हासिल कीती है। इस तो इलावा गढ़शंकर दे पिंड नाजरपुर रावलपिंडी ने भी कोविड-19 दी 100% डोज लगवा लए ने। दूजे पासे डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने भी पिंडा दे सरपंचां नूं इस उपलब्धि लई वधाई दित्ती है ते होरना पिंडा नूं भी आउण वाले दिनां च 100% टीकाकरण लई प्रेरित कीता है। उन्हां दस्या कि जिले विच 3,52,723 लोकां दा टीकाकरण हो चुका है ते रोजाना 5,000 तों उत्ते लोकां दा टीकाकरण हो रहा है। दरअसल पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया सी कि सूबे दे पिंडा विच 100% कोरोना टीकाकरण दे टीचे नूं हासिल करन वाले पिंड नूं 10,00,000 रुपए दी विशेष ग्रांट दित्ती जाएगी, जिस दे नतीजे वजों पंजाब दे सारे पिंडा च वैक्सीनेशन ने जोर फड़ लिया। जेड़ा पिंड 100% वैक्सीनेशन करूंगा उन्हें मैं 10,00,000 दा ग्रांट दूंगा। नोट कर लो जिन्ने तो वैक्सीन, मैं पता है वैक्सीनेशन दा कोई डर है, पर जद आओ लग जाओ लाइना दे विच और करा लो अपनी वैक्सीनेशन और थोड़ी ग्रांट मैं दे दूंगा, जो कुछ तुसी अपने पिंड च करवाना तुसी करा लो। जिक्रयोग है कि पंजाब दी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार वायरस दी शुरुआत तो ही अलर्ट मोड ते सी, जिसका नतीजा ए निकलिया कि अज पंजाब दे विच कोरोना दे केस घट ते हस्पतालां च सहूलतां ज्यादा ने। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, आम जनता परेशान है, वैक्सीन सभी को मुफ्त में लगनी चाहिए। चुनाव से पहले बीजेपी ने कहा था कि सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन अब प्राइवेट अस्पताल में 1200 रुपए में वैक्सीन लग रही है। पेट्रोल डीजल की कीमत आज एक बार फिर बढ़ चुके, लगातार बढ़ रहे, 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत पर लीटर हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी, जब आप मुख्यमंत्री थे आपका बयान था कि पेट्रोल डीजल की कीमत का बढ़ना इस बात का सबूत है कि भारत सरकार नाकाम हो चुकी है, उसे सरकार चलाना ही नहीं आता है। यही सवाल आज मैं आपसे कर रहा हूं, अल्फाज आपके हैं, जबान मेरी है, जवाब दीजिए। आपने तो मुश्किल से 10-12% लोगों को वैक्सीन लगाई है और आज वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स 1200 और 1500 रुपए में वैक्सीन लगा रहे। वैक्सीन देश के लोगों को मुफ्त लगनी चाहिए, गरीबों का देश है, गरीब आदमी महंगी वैक्सीन नहीं लगवा सकता, और अगर हर आदमी को वैक्सीन नहीं लगेगी तो आप कोविड का मुकाबला नहीं कर सकते। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। वैक्सीन जरूर करवानी है तुसी, ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ।